फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने को लेकर किसान दिल्ली चलो आंदोलन कर रहे हैं। मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पर यह आंदोलन सुर्खियों में है। इसी बीच ये वीडियो भी लगातार खबरों में बना रहा। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो इहदा ग्राफ डाउन किवें आ सकदा है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां करवाउंदा फिरदा सी, बहुत बारी लोगों ने इह कहिंदा सी कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ उहदा बड़ा उच्चा चढ़ गया, दिन साडे कोल थोड़े है, की असीं इहने थोड़े दिनां दे विच ग्राफ इहदा डाउन कर लांगे। कई राइट विंग यूजर्स और मीडिया चैनल्स ने ये वीडियो शेयर किया और किसान आंदोलन को महज मोदी सरकार की छवि खराब करने का एक षड्यंत्र बताया। न्यूज 18 पर रूबिका लियाकत ने ये वीडियो चलाते हुए कहा कि आंदोलन की मंशा राजनीतिक है। भानु प्रताप सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु जी, आपने सुना ना, जिनके नेतृत्व में ये मोर्चा संभाला हुआ है, जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है, जगजीत सिंह दल्लेवाल, वो कह रहे हैं कि वक्त हमारे पास कम है, ग्राफ बहुत ऊंचा है, अब इसको किसी तरीके से नीचे लाना है। तो ये तो पॉलिटिकल हो गया ना, राजनीतिक होगी फिर मंशा तो पूरी। न्यूज 18 के एंकर अमिश देवगन ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए यही दावा किया। ये वीडियो शेयर करने वालों में ANI, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ नव भारत, इंडिया टुडे और रिपब्लिक टीवी शामिल है। वहीं कई राइट विंग अकाउंट्स भी ये वीडियो शेयर करने में पीछे नहीं रहे। ऑल्ट न्यूज ने इस वायरल वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच शुरू की। हमें द अनम्यूट नाम के फेसबुक पेज पर वायरल वीडियो वाला पूरा हिस्सा मिला। जब हमने इस इंटरव्यू के वीडियो में हाल में वायरल वीडियो वाला पूरा हिस्सा सुना तो हमें पता चला कि ये वीडियो असल में एडिट किया गया है। ये बात आप स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में भी साफ सुन सकते हैं। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो इहदा ग्राफ डाउन किवें आ सकदा है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां करवाउंदा फिरदा सी, बहुत बारी लोगों ने इहो कहिंदा सी कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ उहदा बड़ा उच्चा चढ़ गया, दिन साडे कोल थोड़े है, की असीं इहने थोड़े दिनां दे विच ग्राफ इहदा डाउन कर लांगे। असीं इह सोच के चले हां कि मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके उपर चढ़ गया, मोदी मोदी हो गई, खास करके एक खास तबके एक तबके च। हुण मोदी जिन्ना चिर इहदा ग्राफ, देखो कोई भी पोलीटिकल धिर उदों मंग मंदी हुंदी है जदों उहनूं पता लगे कि मेरा इह ग्राफ डिग रिहा, पोलीटिकली नुकसान हुंदा है। जिन्ना इहदा पोलीटिकल नुकसान नहीं हुंदा उन्ना चिर उह मंग नूं कोई मतलब तवज्जो नहीं दिंदे। हुण साडा इह सीगा वी ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने भी अपने वीडियो के बारे में सफाई दी और बताया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यानी किसान आंदोलन को मोदी सरकार की छवि धूमिल करने का एक प्रयास बताते हुए मीडिया चैनल्स और राइट विंग अकाउंट्स ने जो वीडियो चलाया वो असल में एडिटेड निकला। देखने वाली बात तो ये है कि ये एडिटेड वीडियो शेयर करने वालों में इंडिया टुडे शामिल है, जिनका अपना फैक्ट चेक विंग है।